पहले तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री सचिन जी, मेरे साथी अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए अति उत्साह से लवरेज, ग्रेटर नोएडा निवासी, इस मिनी मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों, आज निश्चित तौर पर आपका उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही है। आप सब में इतना उत्साह है, कुछ लोग एकदम रेस को बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी से आपके और रेस के बीच में लाकर अपनी बात कहेंगे। आप सबको पता है कि 28 जनवरी को हर वर्ष ग्रेटर नोएडा शहर का फाउंडेशन दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर एक कार्निवल का आयोजित किया जाता है और कार्निवल की शुरुआत अभी तक एक रन फॉर फन से आयोजित की जाती थी। पिछली बार वैनिटी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री सचिन जी से वार्ता हुई, उनका ये आइडिया था कि साहब हम एक सिटी लेवल की, आपने देखा हुआ दिल्ली मैराथन, मुंबई मैराथन, बहुत सारी मैराथन फेमस होती हैं, एक ग्रेटर नोएडा सिटी लेवल की हम लोग भी कहीं ना कहीं हाफ मैराथन शुरू करें और उसकी एक शुरुआत जो पहली कड़ी में आज एक मिनी मैराथन का एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके लिए मैं सचिन जी को, वैनिट यूनिवर्सिटी को हमारे साथ सह प्रायोजक बनने के लिए, ऑर्गेनाइजर बनने के लिए बधाई देना चाहूंगा। और उसका जो उन्होंने आयोजन किया है उसका उत्साह ही आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, ये बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रतिभागियों के लिए उसके लिए तालियों से उनका स्वागत करें। मैं इस अवसर पर हमारे नवनियुक्त कमिश्नर पुलिस श्री आलोक सिंह जी का भी पुनः से स्वागत करना चाहूंगा। इस समय उन्होंने प्रथम पुलिस कमिश्नर के तौर पर ज्वाइन कर शुरू में एक इतिहास रचा है और उनकी मैं कार्यशैली को जानता हूँ, बहुत ही डायनेमिक स्मार्ट ऑफिसर है और ग्रेटर नोएडा में जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे और आज यहाँ पर इस प्रकार से उत्साह से लवरेज नवयुवकों को अभी वो संबोधित भी करेंगे। मैं इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और गौतम बुद्ध नगर में उनकी तैनाती पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, इस पूरे कार्निवल का, ग्रेटर नोएडा फाउंडेशन का थीम है हैप्पी एंड स्मार्ट ग्रेटर नोएडा। किसी भी शहर को हैप्पी, खुशी खुश ग्रेटर नोएडा बनाने के लिए आवश्यक है कि वहां के सिटीजन वो खुश हों, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। उसी कड़ी में आप देखेंगे इस ग्रेटर नोएडा को, जो इसकी प्लानिंग है बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान किया गया है। केवल एकमात्र इंडिया का ऐसा शहर है जो बहुत जल्दी 3 एयरपोर्ट से चालित होगा, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी क्षेत्र में दादरी में मिल रहे हैं, सड़कों का जाल पूरे भारतवर्ष में हर पोर्ट में, यहाँ पर जो इंडस्ट्री आ रही है उसका सामान, उसका जो प्रोड्यूस है 15 घंटे में भारत के किसी शहर में या पोर्ट पर पहुंच सकता है। इसके अलावा इसका आप जो भी व्यवस्था देखेंगे, सड़कें इतनी चौड़ी सड़कें, यहाँ की ग्रीनरी, सब लोग जो लोग बाहर से आते हैं इसके बारे में बहुत तारीफ करते हैं। अब ये 29 वर्ष का ये शहर हो गया है, अपनी जवानी की ओर, अपने यूथ की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में एक चैलेंज है कि कैसे इसको हम लोग बढ़िया रखें। इसके मेंटेनेंस में सिटीजन्स की भागीदारी बहुत आवश्यक है, उनको इन्वॉल्व करने के लिए हमने फ्रेंड्स ऑफ ग्रेटर नोएडा, सीओ फोरम, इस प्रकार के कार्निवल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आप सबसे मैं कहूंगा कि इसमें पूरी तरह से आप उसमें शामिल हो। आजकल शहरवासियों को खुश रखने के लिए, उनकी खुशी का इंडेक्स बढ़ाने के लिए स्मार्टनेस का भी जमाना है। स्मार्टनेस करने के लिए भी अथॉरिटी की तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं, ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिसमें हर चीज अथॉरिटी की कंप्यूटराइज होगी और शहर के सिटीजन हर सर्विस खुद घर बैठे पा सकेंगे। जीआई सिस्टम में आप घर बैठे पूरी चीज देख सकेंगे, कौन सा प्लॉट किसको अलॉटेड है, पानी की पाइपलाइन में यदि कोई लीकेज है तो एकदम एसएमएस के माध्यम से अधिकारी को बात पहुंचेगी, हर चीज जीआईएस के प्लेटफॉर्म से, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से भी हर चीज सिटीजन को हर सर्विस घर बैठे हुए एसएमएस के माध्यम से या मोबाइल पर या इंटरनेट के माध्यम से मिल सकेगी। अल्टीमेटली परंतु एक सिटीजन को खुश रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो पहली आवश्यकता है वो है फिट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिट रहो इंडिया के कार्यक्रम के नाम से, आपको पता है खेलो इंडिया कार्यक्रम के नाम से, इस प्रकार का भी आह्वान किया है। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम मिनी मैराथन आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आप सब में जागरूकता लाना, यदि आपको खुश रहना है सबसे पहले फिट रहना जरूरी है और उसी कड़ी में कि आपको एक प्रेरणा मिले कि आप रोज सवेरे उठकर वॉक करें, भागें, हमारे बीच में हमारे
आयरन मैन है, उनका देखकर स्टेमिना, अभी अशोक जी ने बताया, आयरन मैन विकास ने बताया, किस प्रकार से कितना स्टेमिना बनाना पॉसिबल है, केवल मन में इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति और एक सिंसियरिटी, अपने उद्देश्य के प्रति लगाव।